बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब जिस प्रकार से जेडीयू अपने दो मंत्रियों को जनता दरबार लगाती है, तो ठीक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अब दो मंत्री प्रत्येक मंगलवार को पार्टी दफ्तर में बैठाना शुरू किए हैं। पिछली मंगलवार को हम अगर बात करें तो आलोक कुमार मेहता और इसराइल मंसूरी यहां पर बैठे थे पार्टी दफ्तर के अंदर। पिछली बार काफ़ी भीड़ हुई थी और कई तरह के जो लोग हैं यहां पर हंगामा भी किए थे, और अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहां पर नियम बदल दिए गए हैं। तस्वीर देखिए, यह राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी दफ्तर है और दफ्तर के बाहर जो है वो आदमी को खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता है, मीडिया को भी अलाउ नहीं है। पिछली बार जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे मुलाकात करने के लिए, जो मंत्री जी से अपनी समस्या सुनाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ। लिहाजा इस बार जो है आरजेडी के गेट पे ही जो है सभी को रोक लगा दिया गया है, कि जिस तरीके से भीड़ हुई थी पिछली बार। तो एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पर एक टेबल लगाया गया है और वहाँ पर दो लोग को बैठा दिया गया है, ताकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो करवाएंगे वही अंदर जाएंगे। और देखिए, ठीक वहाँ कार्यालय के पास जो है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्टी दफ्तर के अंदर की, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। और रजिस्ट्रेशन करवाए हैं आप? नहीं, करवाए जा रहे हैं। आप करवाए हैं रजिस्ट्रेशन? हाँ, करवा लिए हैं। क्या क्या पूछा गया रजिस्ट्रेशन में? कुछ नहीं, खाली आवेदन लिखा है। आवेदन लिखने के बाद उसने वो नंबर दिया है, बस और कुछ नहीं। कितना नंबर में नंबर है? 13 है। 13 नंबर, चलिए 13 नंबर, यानी कि लगातार अब जो जिस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस नंबर वाइज आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हालांकि ये सभी प्रक्रिया इस कार्यालय के अंदर ही नज़र आ रहे हैं, बाकी जो जनता दरबार जहाँ लगता है वो इस तरीके का नहीं होता है। बाकी जगहों पर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। सवाल है, क्या लिखा है इसमें? देखिए, इस तरीके से मिलेगा रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं, उसके बाद इस तरीके से आपको पुर्जा मिलेगा, टोकन मिलेगा, उसके इसी को लेकर आप जाएंगे तब मंत्री से मुलाकात हो पाएगी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? आए हैं दुलमियार घर हुआ, पटना जिला हुआ। मेरा नाम है चेन नजार। समस्या क्या था? समस्या है कि मैं मुख्यमंत्री जिलाधिकारी किसी का आदेश का पालन OCO नहीं करता है, इसमें आदेश है जिस समस्या लेकर, उसमें आदेश है DM का। अच्छा। लेकिन एगो CEO इसको पालन नहीं करता है। हाँ, मुख्यमंत्री के बाद भी तो ऐसी समस्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन कई ऐसे फरियादी यहाँ भी पहुँचते हैं जो कि जनता दरबार में सुनवाई होने के बावजूद भी लोग और अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। और अब तेजस्वी यादव जनता दरबार लगा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इसका क्या फलाफल निकल कर सामने आएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इंस्पिरेशन के साथ नमस्कार।